रजनीश, जहां तक बैंकों का मामला है, क्या फर्क पड़ पाएगा इस बड़ी घोषणा से? बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री ने जो बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही है, उसका आशय यही है कि जो बैंकों के वित्तीय घाटे हैं, जो फिनेंशियल लॉस है, उसमें एक तरह से कमी आएगी और जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें वो बूस्टअप आएगा जिससे अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। तो ये एक कारण बताया गया है और पहले भी ये देखा गया है कि बैंकों का जो विलीनीकरण हुआ है उससे बैंकिंग व्यवस्था ठीक हुई है और अर्थव्यवस्था को उससे फायदा भी मिला है। और ये बताया जा रहा है, जो तीन मेजर बैंकों का जो ये मर्जर हुआ है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक और यूनियन बैंक को जोड़ा जा रहा है, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक होगी और लगभग 18 लाख करोड़ का बिजनेस वहां से एक्सपेक्टेड है। 17,95,000 करोड़ के बिजनेस एक्सपेक्टेशन की बात निर्मला सीतारमन ने कही है और उनका ये कहना है कि इस वक्त 27 पब्लिक सेक्टर बैंक देश में मौजूद थे, लेकिन इस मर्जर के बाद उनकी संख्या 12 हो जाएगी। तो सीधे सीधे बैंकिंग सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा और उससे न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था बेहतर हो पाएगी बल्कि अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से दौड़ेगा, इसकी संभावना भी जताई जाएगी। और ये एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि लगातार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही है, बैंकिंग व्यवस्था को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही है, लगातार उनके घाटों को लेकर खबरें सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है और इस दिशा में कुछ बेहतर कदम उठाने की कोशिश उन्होंने अपनी ओर से की है। ये दावा सरकार का है, वित्त मंत्रालय का है, वित्त मंत्री का है, कितना फर्क पड़ेगा और कब तक फर्क पड़ेगा उसका अभी विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, लेकिन जरूर वित्त मंत्री का ये कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था दोनों बेहतर होगी, सुदृढ़ होगी और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो आने वाले दिनों में 6 से 7 और बैंकों का मर्जर हो सकता है, उनका और विलीनीकरण हो सकता है, ये बात भी वित्त मंत्रालय की ओर से सामने आ रही है। धन्यवाद रजनीश। तो आखिर जे रीते आर्थिक घाटाओ सामे आवी रह्या छे तेने लईने आ महत्वपूर्ण निर्णय अत्यारे जणावाई रह्यो छे अने नाणाप्रधान निर्मला सीतारमणे आ मोटी जाहेरात करी। आखिर बैंकोना विलीनीकरणथी आगामी દિવસોમાં આર્થિક ક્ષેત્રે વધારે તેજી આવી શકે તેવો આશાવાદ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો અને 3.38 લાખ બોગસ કંપનીઓ બંધ થઈ હોવાની વાતનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો। આ મોટી જાહેરાતની સાથોસાથ એ તમામ બેંકોના નામ પણ લેવામાં આવ્યા કે જેનું આગામી દિવસોની અંદર વિલીનીકરણ કરવામાં આવશે, જેમાં પીએનબી, યુનાઇટેડ બેંક, ઓબીસી બેંક, આ ઉપરાંત કેનરા બેંક અને સિન્ડિકેટ બેંકનું પણ સમાવેશ થઈ જાય છે। આ તમામ બેંકોનું વિલીનીકરણ કરવાથી આખરે બેંકોને જે નુકસાન જઈ રહ્યું છે તેની અંદર ચોક્કસપણે રોકથામ થશે તેવો તેમણે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો।